हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। आज की वीडियो में हम चलत दादरा का एक पैटर्न सीखेंगे जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, और इसमें छोटी छोटी कुछ मुखड़े और एक कुछ तिहाइयाँ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलत दादरा का जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए सिंपल आपको दादरा सीखना पड़ेगा, चलत दादरा। और उसी में हम थोड़े थोड़े वेरिएशन देखें, उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके देखेंगे। तो मेन पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, और इसको आप सीख लेंगे तो आप खुद से भी इसका जो पैटर्न, आप इसके जो अलग अलग वेरिएशन है इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इतना सिंपल है, इतना सरल है। इसमें डग्गे में और दाहिने में दो दो लूप बज रहे हैं, देखिए, है ना। ना ता तिन, ना ता तिन, ना ता तिन, ना ता तिन, कंटिन्यू ये लूप बजता जाता है इसमें, ना ता तिन, ना ता तिन, ना ता तिन, ना ता तिन, है ना। और इसी के साथ डग्गे में, ये बजता है। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये पूरा पैटर्न बन जाता है, देखिए। अब देखिए, इसको सीखने में और ज्यादा सहजता हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, नातातिन को सीख लेते हैं सबसे पहले। नातातिन, है ना, नातातिन। अब ना कहाँ पे बजाते हैं, ये जो पर्दा है ना, ये जो लेयर है, देखिए ये वाला, इसके ऊपर जब बजाएंगे तो जो शार्पनेस वाला साउंड आएगा उसको ना बोलते हैं। ता का ही एक स्वरूप है, और जब ता बजाते हैं तो इसके बीच बीच बजाते हैं, जहां पर ये जो खाली मैदान जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप बजाएंगे तो प्रॉपर ता का साउंड आएगा। और यही चीज जब आप थोड़े सा स्याही के अंदर बजाना शुरू करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो ये तिन का साउंड आएगा, है ना। तो ना ता तिन, इसको आप इस तरीके से बजा सकते हैं, ना ता तिन, ना ता तिन। और डग्गे में क्या बजाना है, स्लाइड करके म्यूट, टू थ्री और फिर फोर फाइव सिक्स। सिक्स आपको सिर्फ काउंट करना है, सिक्स में कुछ बजाना नहीं है, सिक्स में तीन आ रहा है यहाँ पे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू, देखिए वन में स्लाइड करके म्यूट कर दिया, टू में ओपन कर दिया, और फिर थ्री में का बजा दिया, वन टू थ्री, है ना। और फिर फोर फाइव सिक्स कैसे, फोर फाइव सिक्स, फोर में खुला गया है ये, देखिए वन स्टॉप कर रहा हूँ मैं सिंगल फिंगर से, इस तरीके से कहीं पे भी टच नहीं है, हाँ। तो फोर फाइव, और बाकी सिक्स को सिर्फ काउंट करना है आपको, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कैसे हम डालते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इन्हीं बोलों में हल्का फुल्का चेंज करके हम इन्हीं बोलों को रिपीट करते हैं, इसी के पलटे बनते हैं, इसी के वेरिएशन अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं। तो मैं इसमें छोटा सा एक तरकीब ऐड करूंगा एकदम लास्ट में जाके, तो देखना आप, इसको बहुत ही सरल है, और इसको इस तरीके से आप बजाएंगे, देखिए कैसे सुनाई देता है ये। तो सेम वही पैटर्न है, क्या किया, सिर्फ मैंने क्रिकेट जोड़ दिया पीछे जाकर। तो उसको देखिए किस तरीके से सीखेंगे, धा धा ती, जैसे कि मैंने बताया था आपको, धा स्लाइड करके म्यूट कर देना है, और फिर दूसरा वाला धा बिल्कुल ओपन है, देखिए कहीं टच नहीं है। तो धा धा ती, ती के साथ का आएगा, ती धा धा ती, और फिर ता धा, यहां तक तो आपको सेम बजाना है, ता इस तरीके से, ता के साथ छोटा सा गे था और यहाँ पे ता है, तो धा धा ता धा। अब क्या बजाना है, त्रिकिट,
तो ये जो तिरकिट है इसी को आपको थोड़ा सा रियाज करने का है। तिरकिट के बाद फिर से धा आएगा, तो ये तिरकिट बिल्कुल फ्लेंटली बज रहा है, तो इसको आपको सिर्फ हाथ में बिना किसी प्रेशर के, एक्स्ट्रा प्रेशर के, जितने स्पीड से तिरकिट आप बजा सकते हैं आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तिरकिट धा मैंने स्लाइड करके म्यूट कर दिया है, तो आपको भी इस तरीके से करना है। तो देखिए अगर हम इसको स्पीड में जाते हैं तो कैसा लगता है, तो ये थोड़ा सा टफ है इन सब बोलों में। अभी तक जो मैंने बताया था तिरकिट धा इन सब बोल में थोड़ा सा टफ है, जो तिरकिट धा स्लाइड करके हमने बजाना है लास्ट में ये वाला, ठीक है। तो आप हल्का सा रियाज करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसी तिरकिट को मैं थोड़ा सा जगह चेंज करके इसी बोलों में कहीं और जगह फिट कर देता हूं, तो इसके देखिए कैसे वेरिएशन चेंज हो जाएंगे। अभी तक ये बज रहा था, अभी देखना क्या था त्रिकिट धा स्लाइड करके था, यहाँ पे त्रिकिट ता है, तो देखा आप भी इस तरीके से अलग अलग बोल को जोड़कर त्रिकिट तेटे तुन नाना इस तरीके से अलग अलग बोल को जोड़कर बजा सकते हैं। तो आइए इसमें छोटी छोटी कुछ त्याहियां देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल तिहाई है, इसको आप ऐसे बजा सकते हैं। देखिए इस तरीके से बजाना है आपको, कड़ा, देखिए ये कड़ा है, कड़ा इस तरीके से कड़ा बज रहा है, कड़ा। इसी को आपको थोड़ा सा स्पीड में बजाना है तो कड़ा बच जाएगा, तो ये जो धा बज रहा है इसमें थोड़ा सा प्रेशर है, धाति धा क्रधा धाति धा क्रधा धाति, है ना, जो धाति धा ये जो धा बजा इसमें प्रेशर है, तो धाति धा क्रधा धाति धा क्रधा धाति, अब धा धा ति इस तरीके से बजेगा। तो एक बार फिर से मैं स्लो मोशन में दिखा देता हूं, धा ति धा क्र धा धा ति धा कड़ धा धा तित, और फिर उसके बाद वही दादरा चल का शुरू हो जाएगा कैसे। इस तरीके से आप बजा सकते हैं। तो इसमें छोटा सा एक और देख लेते हैं, सरल सरल तिहाइयां मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इन सब तिहाइयों को मैक्सिमम हम गाने के साथ, गजलों के साथ यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। तो यही चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत लंबे चौड़े कोई तिहाई चक्करदार तिहाई गाने के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं।
तो आप इसको आराम से सीख सकते हैं। देखिए धा धा धाति धा धा धाति धा धा धाति को समझिए थोड़ा सा। धा क्या कहना चाह रहा है, धा धा धा, ये जो धा का जो मॉड्यूलेशन है, धा इस तरीके से जो बज रहा है, ये बहुत जरूरी है ये निकलना, वरना देखिए कोई फील आया नहीं आया ना, तो आप इसको समझिए। घिसावट के साथ, जब तक घिसावट नहीं होगा तब तक इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो तरीका है गे का, ये भी एक अच्छा रियाज का बोल है, इसका भी आप रियाज कर सकते हैं। गे बजा के म्यूट कर देना, स्लाइड कर देना, इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। तो धा धा धाति बज रहा है, और फिर धा लोअर स्लाइड है, और फिर तीसरे बार में धा ऊपर है, धा 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 तित। तो आप इसको इस तरीके से बजा सकते हैं, धा 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 धा। सीख सकते हैं धा, ये देखिए डग्गे का जो मॉड्यूलेशन है वो किस तरीके से, ये गे 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 गे, एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन म्यूट से अनम्यूट की तरफ आ रही है, और फिर ना ते 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 ना ते 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 ना ते ते ते, इसके साथ ना ते ते ना ते ते ते। तो टोटल मिला के क्या बन रहा है, ये धाते धेते धाते धेते धाते धेते। तो इसको इस तरीके से आप बजा सकते हैं, धाते धेते धाते। देखिए मैं अनम्यूट की तरफ ला रहा हूँ, इसको भी डग्गे में ध्यान दीजिए, धाते धेते धाते धेते धाते। दोस्तों इस तरीके से आप किसी गजलों में या फिर किसी भजन, दादरे के भजन में, चलत दादरे में, आप इस तरीके से वेरिएशन अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो नए मित्र आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।